खासकर मैं कहना चाहूंगी जो लव जिहाद में पढ़ रही हैं, उनको तलवार उठाना आना चाहिए, अपने धर्म को पढ़ना चाहिए, तो ये लव जिहाद बिल्कुल बंद हो जाएंगे। लड़की को पता होगा अपने धर्म के बारे में, क्यों फ्रिज में लड़कियां कट रही हैं उन्हें पता ही नहीं है। अब्दुल ने थोड़ी सी प्यार से, भाई हिंदू लड़कियों लड़कों में कमी है क्या? हिंदू लड़कों में आजकल की कमी, मैंने कभी न्यूज़ में ये तो नहीं सुना हिंदू लड़के ने किसी मुसलमान लड़की का कत्ल कर दिया, ये तो नहीं सुना। सुभाष नगर में एक केस आया था, एक न्यूज़ आई थी, मेरी बुआ जी वहाँ पर रहती हैं, वहाँ पर सरेआम एक सिख लड़का है, हिंदू या वैसी सिख फैमिली से बिलोंग करता है, उसका सरेआम गला काट दिया गया क्योंकि वो एक मुसलमान लड़की से प्यार करता था। तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। वहाँ पे मस्जिद बना रहे, वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए भाई। कह रही है केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, बल्कि केजरीवाल तो बुजुर्ग लोगों को तीर्थ पे भेज रहा है राम मंदिर। कुछ नहीं दे रहे हैं वो, बस एक जनता को छलावा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं वो, जनता को गुमराह कर रहे हैं। इन्हें शर्म माननी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। और जो काम सच्चे रास्ते पे जो काम कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और केजरीवाल कोई ऐसा काम नहीं करो, जनता को पूरा गुमराह कर रहे हैं। जनता उनकी गुमराह में आ चुकी थी लेकिन अब नहीं आएगी, अब जल्द से जल्द उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को, जाके डूब के मर जाइयो कहीं। आपने कहा कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, बीजेपी को क्यों सपोर्ट करती हैं? बिकॉज वो काम कर रही है हमारे स्टेट के। सबसे पहली बात तो उन्होंने हमारा राम मंदिर बनवाया, उसके बाद मेरे को मतलब मोदी जी, आप पहले हमारे बाहर जैसे मालदीप है या लक्षद्वीप है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें हमारी क्या थी, हमारे लड़ाई झगड़े बहुत थे, कोई भी आकर हमें ऐसे ही कर जाता था, हमारे जो सेना वगैरह उन पर अटैक हो जाते थे, सब कुछ हो जाता। बट अब जब से मतलब मोदी जी के अंडर में हमारी सरकार आई है या जब से मोदी जी काम कर रहे हैं बीजेपी के अंडर, तब से क्या है कि ये चीजें काफी ज्यादा सुधर गई है। देश के प्रधानमंत्री है वसुदेव कुटुम्बकम, हम देख रहे हैं देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग योजनाएं सामान्य व्यक्ति के पास पहुंचते हुए हम देख रहे हैं। 5 लाख में आज जो आभा कार्ड मिल रहा है हर भारतवासियों को, ये किसी ने सपने में भी नहीं देखा था कि जो विदेश में हो रहा है वो अपने देश में होगा। उसी तरह 2 रुपया में 1 रुपया में अपना किसान का बीमा हो रहा है, उनका पॉलिसी हो रहा है, खेती के लिए स्पेशली उनका डिजाइन हो रहा है, ऐसे कई सारे काम हैं जो सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि आज भारत देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी है। हम जम्मू कश्मीर से, हम अपनी आंखों से देखते हैं क्या क्या होता है। राहुल गांधी की जब कांग्रेस की हुकूमत थी, हम अपनी आंखों से देखते क्या क्या होता। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, जाके डूब के मर जाइयो कहीं। इस पर नहीं बोल सकते। राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर आज भी चल रहा है, मोदी ने कहा था कि कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे, अभी तो कुछ भी नहीं थे। हम कश्मीरी पंडित के लिए, कश्मीरी पंडित के लिए कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया नहीं। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं मोदी 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 मोदी? देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए अच्छे कर रहे। आपको लग रहा है मोदी आने चाहिए? धर्म चला रहे, सनातन धर्म हमारा पहले, सनातन धर्म है। अच्छा, बार बार ये कहा जाता है कि अभी नरेंद्र मोदी का वो वाला क्रेज नहीं रहा, राहुल गांधी का क्रेज बढ़ गया भारत जोड़ो यात्रा के बाद में, आपको क्या लगता है? सर मुझे तो नहीं लगता, उन्होंने तो खुद कहा है मैं खत्म हो चुका हूँ, मैं मर चुका हूँ। तो उनका उनका क्रेज कैसे हो सकता है? आत्माओं का क्रेज किसको होता है, पूछ के देखिए, किसी को आत्मा का क्रेज होता है क्या? जो भगवान होते हैं उनका क्रेज सबको होता है, आत्मा का क्रेज किसी को नहीं होता। तो राहुल गांधी तो आत्मा है, उनका क्रेज किसी को कैसे हो सकता है? मेरा नाम श्री सिंह है और हम यहाँ पे अपनी फ्रेंड का बर्थडे मनाने आए हैं। अच्छा, मंदिर आए हो बर्थडे मनाने? जी। यंग जनरेशन तो आजकल कहीं और दिखती है। नहीं, हम लोग तो सनातनी है भाई, हम लोग हिंदू है, हम लोग अपने मंदिर ही आएंगे, राम मंदिर आएंगे। बात बताइए, राम मंदिर बन चुका है, क्या डिफरेंस दिख रहा है तब की अयोध्या में और अब की अयोध्या में? काफी डिफरेंस दिख रहा है। जब मैं 6th क्लास में थी तो मैं पहली बार यहाँ आई थी दर्शन करने, और उस टाइम कुछ भी डेवलप नहीं था यहाँ पे, कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ कोई आता ही नहीं था, बहुत कम लोग हमको भीड़ दिखती थी यहाँ पे। बट अब जब आए, इतनी भीड़ पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पे, और ये सब देखते हम लोग इतने खुश है, इतना अच्छा डेवलप किए है राम मंदिर को, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। इकोनॉमी के लिए चलो उन्होंने कर दिया, महिलाओं के लिए क्या किया, मतलब ऐसा आप देख रहे हैं कि 9 सालों में कुछ महिलाओं बहुत सारे किया है, मजदूरों के लिए किया है, मजदूरों के लिए काम करते हैं वो, और किसानों के लिए तो बहुत ही ज्यादा काम किया है उन्होंने, कितने ऋण माफ कर दिए, कितनी सारी योजनाएं निकाली है उन्होंने, जो कुछ तो योजनाएं लोगों को पता भी नहीं है, और कुछ योजनाएं जो पता है वो उनका फायदा भी उठा रहे हैं, तो काफी कुछ किया है उन्होंने। जब राहुल गांधी मणिपुर के रास्ते महाराष्ट्र पहुंचेंगे तो सारी चीजों को बदल कर रख देंगे, उनका करिश्मा दिखेगा महाराष्ट्र के अंदर, उनकी ऐसी की तैसी।
नहीं वो मुझे लगता है आधा सीट तो बीजेपी इसलिए जीतती है क्योंकि राहुल गांधी हैं। क्योंकि उसके अलावा आप किसी को सामने नहीं ला रहे हो। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। ये भी एक बहुत बड़ा वजह है कि जो आजकल के लोग हैं वो एंटी कांग्रेस हो गए, जो पहले काफी कांग्रेस को सपोर्ट किया करते थे। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा। ओह वाह वाह। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।